नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिमाचल आर्टिस्ट बायोग्राफी में। आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए नया वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के महान गीतकार पवन शर्मा जी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवन शर्मा को गीत लिखने में हासिल है महारत। उनके लिखे गीतों को गुनगुनाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। शिमला के गाँव बलैन पंचायत चनोग से ताल्लुक रखते हैं पवन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जाने माने गीतकार पवन शर्मा को गीतों को लिखने में एक महारत हासिल है। शिमला के गांव बलैन पंचायत चनोग से ताल्लुक रखने वाले पवन शर्मा के लिखे गीतों को आवाज़ मिलती है तो लोग भी इन गीतों को गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। पवन शर्मा को गाने लिखने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है। 10 अप्रैल 2021 में उनका पहला भजन आया था जिसे कि जयती शर्मा ने गाया था और हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध संगीतकार सुरेंद्र नेगी जी ने संगीत इसमें दिया था। उसके बाद हिमाचल फिल्म सिनेमा के संस्थापक ठाकुर केसी परिहार के बैनर तले जय मां तारा भजन आया जिसे कि विकी विक्रम जी ने आवाज़ दी और हिमाचल प्रदेश के मशहूर संगीतकार गगन पंखी जी ने इसमें संगीत दिया था। उसके बाद ना जाने भोला है भंडारी गायक सुरेश वर्मा जी ने होली आई रे भजन को गाया जिसे कि लोगों ने खूब सराहा और वो गाना चर्चा में भी काफ़ी ज़्यादा रहा। उसके बाद चर्चा में रही हिमाचली सिंगर महिमा ठाकुर पहाड़ी गीत लाल चुनरी अजय भारद्वाज का शूलिनी मैया प्रिंस शर्मा का भजन हिमाचल की कन्या और मुरली वाला आ गया जैसे अनेकों गीत और भारती शर्मा के गीत पवन शर्मा द्वारा लिखे गए और लोगों द्वारा बेहद ही पसंद किए गए। पवन शर्मा ने 2021 से जो हिमाचल प्रदेश की संगीत इंडस्ट्री में कदम रखा उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई मंच पवन शर्मा को बतौर गीतकार सम्मानित कर चुके हैं। पवन शर्मा को देवभूमि हिमकला मंच शिमला, हिमाचल फिल्म सिनेमा, हिमाचल गॉट टैलेंट, हिमालयन डिजिटल मीडिया किन्नौर, अब तक काव्य कॉर्नर, राष्ट्रीय साहित्य प्रभा मंच, वन का मंच, हिंदी बोल इंडिया और अन्य मंचों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनका सपना है कि वे हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे और बॉलीवुड में भी उनका एक दिन नाम हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवन शर्मा हिमाचल के बाहर भी कवियों की चौपाल जैसे उत्सव में अपना कलम को दिखा चुके हैं। उनकी कलम हिमाचल ही नहीं हिमाचल के बाहर भी पसंद की जाती है। उनका शायराना अंदाज या कोई कविता हो या कोई कहानी हो या गीत हो, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं पवन शर्मा। तो पवन शर्मा को आने वाले गीतों के लिए लोगों के प्यार और आशीर्वाद की भी उम्मीद है। पवन शर्मा कम से कम अभी तक 15 से गीत लिखकर रिलीज़ कर चुके हैं और भी काफ़ी सारे भजन और हिमाचली भाषा में पहाड़ी गाने आने वाले हैं जिसे हिमाचल के बहुत से प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाज़ दी है। पवन शर्मा ने उम्मीद प्रकट की है कि उनके गीतों को भी लोग उतना ही प्यार और आशीर्वाद देंगे जितना पहले गीतों को लोगों ने दिया है। उसके अलावा उनकी कई कविताएं भी सोशल मीडिया पर आए दिन प्रसारित होती रहती है। इसके साथ ही कई प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव आने के भी उनको अवसर प्रदान होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी हिमाचल प्रदेश के उभरते गीतकार शिमला से संबंधित पवन शर्मा जी के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।